फिर सेकंड वाले सारे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले दी अहम खबर ना बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दी सब तो अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है ते हुन सब तो अहम इस वेले दी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वारदात नु अंजाम दे के फरार हो रहे कातलां दियां इस सीसीटीवी तस्वीरां ने हुण तक जो तस्वीरां तुसी देखदे आए हो सीसीटीवी दियां जिते कि सिद्धू मूसेवाला दी थार दी गड्डी दियां पिछा कर रहीयां तस्वीरां नजर आईयां ने और हुण जो सीसीटीवी फुटेज तुसी इस वेले एक्सक्लूसिव वेख रहे हो कि वारदात नूं अंजाम दे के कातल जिहड़े ने ओह फरार हो रहे ने। दस दईए कि कतल तों बाद ऑल्टो कार च फरार हुंदे हमलावर कैमरे दे विच कैद होए ने। ऑल्टो दे पिछे हमलावरां दी बलेरो कार भी नजर आ रही है। लगातार जड़ियां ने सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही ने लेकिन हुण तक जो भी सीसीटीवी फुटेज तुहाडे सामने जड़ी है पहुंचाई गई है उस दे विच साफ तौर ते वेख्या गया है कि जड़ी थार गड्डी है जिस नूं सिद्धू मूसेवाला आप चला रहे सन उस दे पिछे बलैरो ते करोला गड्डियां जड़ियां ने ओह वेख्या गईयां और हुण जो तुसी सीसीटीवी फुटेज अपनी स्क्रीन ते वेख रहे हो इह गड्डी है ऑल्टो गड्डी जिस दे विच सवार होके इस घटना नूं अंजाम देण तों बाद जिहड़े हमलावर ने ओह फरार हो जांदे ने। दस दे कि जिस तरह नाल इस घटना नूं अंजाम दिता गया बलैरो गड्डी ते करोला गड्डियां जिहड़ियां ने शक्की गड्डियां पाईयां गईयां सन सीसीटीवी फुटेज दे विच और उस तों बाद इस घटना नूं अंजाम दिता गया ते फिर किसे तों ऑल्टो गड्डी जिहड़ी है ओह खोई गई सी और कतल करन तों बाद जो इस घटना नूं अंजाम देण तों बाद जिहड़े हमलावर सन ओह इस ऑल्टो कार च फरार हुंदे विखाई दे रहे ने। जो तुसीं इह अपनी स्क्रीन ते इह जिहड़ी फुटेज देख रहे हो इह ओह ऑल्टो गड्डी है जिस विच तमाम हमलावर सवार ने जिन्हां ने इस घटना नूं अंजाम दिता ते उत्थों दी मौके तों फरार हो गए। दस दईए कि ऑल्टो कार जिहड़ी है नजर आ रही है और इस दे पिछे पिछे हमलावरां दी बलैरो कार भी नजर आ रही है जो लगातार हुण तक दी जिन्नी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उस विच बलैरो गड्डी और हुण तां इस दे तार जिहड़े ने ओह फतेहाबाद दे नाल भी जुड़े हुए सामने आए ने। लेकिन फिलहाल जे तस्वीर तुसीं वेख रहे हो कि किस तरह दे नाल इस ऑल्टो गड्डी दे विच क्योंकि इह किसे तों खोई गई सी हमलावर वल्लों ऑल्टो गड्डी और उस विच सवार होके उत्थों दी ओह फरार हो जांदे ने। लगातार ये तस्वीरां जिहड़ियां सामने आ रहियां ने सीसीटीवी फुटेज जो एक्सक्लूसिव इस वेले तुसी पीरिस न्यूज़ से वेख रहे हो जिस दे विच साफ नजर आ रहा है कि किस तरह दे नाल हमलावर इस पूरी घटना नूं अंजाम देंदे ने और उस तों बाद उत्थों दी फरार हो जांदे ने। हालांकि हुण तक जो तमाम सीसीटीवी फुटेज आए ओह बलैरो गड्डी है। दस दईए कि शक्की बलैरो गड्डी जिहड़ी कि तमाम सीसीटीवी फुटेज विच हुण तक सामने आई है इत्थे तक कि हुण इही शक्की गड्डी जिहड़ी है ओह फतेहाबाद दे विच भी वेखी गई है जिस दे बारे भी जांच कीती जा रही है। लेकिन हुण उस तों बाद इह पहली वार है कि जिहड़ी ऑल्टो गड्डी है ओह सी तस्वीर सामने आई है सीसीटीवी फुटेज दे विच। सो दस दईए कि इह जिहड़ी गड्डी नजर आ रही है इह ऑल्टो गड्डी है जिस नूं कि इस घटना नूं अंजाम देण तों बाद इन्हां हमलावरां ने खोया सी जिस दे विच ही इह फरार हुंदे ने उस दे विच बहि के। सो इह तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां ने और किते ना किते हुण लगातार तार जिहड़ी है ओह जोड़न दी कोशिश जिहड़ी है ओह कीते जा रहे ने क्योंकि उस दे पिछे पिछे ही उही शक्की बलैरो जिहड़ी गड्डी देखी जा रही जो तमाम हुण तक दी सीसीटीवी फुटेज दे विच सामने आई सी और इही बलैरो गड्डी जिहड़ी है इह ओह बलैरो गड्डी है जिहड़ी लगातार इस तों पहलां तमाम सीसीटीवी फुटेज विच सामने आई है। इत्थों तक कि हुण जिहड़ी फतेहाबाद तों सीसीटीवी फुटेज सामने आई उस विच भी इह बलैरो गड्डी देखी गई है और इह ओह ऑल्टो गड्डी है जिस नूं हमलावरां ने जदों सिद्धू मूसेवाला नूं गोलियां मारियां अन्नेवा इस कतल नूं अंजाम दिता और उस तों बाद ओह फरार होए ते इह ऑल्टो गड्डी जो उन्हां ने किसी राहगीर तों खोई सी उस दे विच सवार होके फरार हुंदे और पिछे पिछे इह बलैरो गड्डी जिहड़ी है इक वार फिर तों नजर आई है। सो तमाम जिहड़ियां ने सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही ने हालांकि जिहड़ी एसआईटी बनाई गई है उसके वल्लों भी जांच की जा रही है लेकिन यह एक्सकलूसिव तुसीं इस वेले दी सीसीटीवी फुटेज पीटीसी न्यूज़ ते इस वेले वेख रहे हो कि किस तरह दे नाल घटना नूं अंजाम दिता अते उस तों बाद जिहड़ा है इह हमलावर उत्थों दी फरार हो जांदे ने। नवदीप आलूवालिया साडे नाल मानसा तों जुड़ चुके ने। नवदीप, लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही ने जिस दिन घटना वापरी है घटना वेले की भी तस्वीरां सामने आईयां ने किस तरह थार दा पिछा करदी बलैरो अते करोला गड्डियां नजर आईयां सन लेकिन यह पहली वार है जदों हमला करन तों बाद इह हमलावर ऑल्टो गड्डी जिहड़ी कि राहगीर तों खोई गई सी उस दी तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल ज्यादा दसना चाहांगा कि बीबीसी न्यूज़ नूं इह अठवीं सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी हाथ लगी है जिस विच हमलावरां वल्लों सारा बरनाला तों इक गन पॉइंट ते ऑल्टो गड्डी खोई गई सी जिथे इन्हां ने अपनी करोला गड्डी नूं छड दित्ता गया सीगा। उस तों बाद इह सीसीटीवी फुटेज आई है जो पिंड पप्पीआणे दे नजदीक जिथे हमलावर सिद्धू मूसेवाला ते हमला करन तों बाद ऑल्टो दे विच सवार ऑल्टो और पिछे पिछे इहदे बलैरो गड्डी जा रही है और अगर इस गड्डी नूं ऑल्टो नूं जूम करके देखा जांदा है
ਤਾਂ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਨੌ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਲਟੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਇਹੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭੂੰਡਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਖੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਆਲਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭੁਲਾਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੱਪੀਆਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5:47 ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਖੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ, 4 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਤੋਂ 9 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਕੱਲ੍ਹ 5 ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
करोला गड्डी जी है वो नहीं होंगी, उस एक ऑल्टो गड्डी होंगी है, एक जी है बलैरो गड्डी होंगी। करोला गड्डी छड़न तो बाद वाया बरनाला होंगे हुए मोगा पहुँचते हैं, मोगा तो बाद धर्मकोट के नेड़े ऑल्टो गड्डी छड़ दी जाती है। तो कहना सीधे तरीके जो जांच के हुण तक पहलू जो उभर के सामने आ रहे हैं, हमलावर सिद्धू मूसेवाल का कतल करने तो बाद वाया बरनाला जाते हैं और पप्पी आने जो हुण तस्वीर सामने आई सीसीटीवी फुटेज मिली है तो बरनाला के नेड़े जी ऑल्टो गड्डी खोई गई है। और इस तो बाद कुछ तस्वीर जेकर नेड़े सीसीटीवी देखा जाए तो पहले दो शख्स जिहड़े ऑल्टो में नज़र आते हैं वो कुर्ते पजामे के चिट्टे कुर्ते पजामे नज़र आते हैं। तो कित ना कि जिहड़ा वाया बरनाला वाया मोगा और इस तो बाद वाया धर्मकोट होंदे होए धर्मकोट आके जी गड्डी छड़ दे, इस तो बाद अगली गड्डी लुट करते हैं, जो उन्होंने अगों साथी कोई आता जो उन्होंने जोड़ा है गड्डी प्रोवाइड करवा व्हीकल प्रोवाइड करा उसते जाते हैं। तो सब तो वड्डा सवाल है कि ऑल्टो छड़न तो बाद बलैरो जी है जितों लगता है कि बलैरो नाल ही चलती गई और ऑल्टो गड्डी जी छड़ के गए, इस तो बाद कोई कोई शख्स जिहड़ा उन्होंने अगों भी मदद करता हो दिखाई दे रहा, क्योंकि अल्टो गड्डी छड़न तो बाद होर गड्डी जा सकते हैं। इस तरीके जिवें जिवें सीसीटीवी फुटेज मिल रही उस तरीके पुलिस बेशक कह दावा कर रही है कि बहुत जल्दी दोषियों को फड़िया जाएगा, पर हाले तक पुलिस के हाथ बेशक खाली ने, पर लगातार सीसीटीवी फुटेज जी है इस मामले को होर भी जी कातलों के नेड़े जरूर पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तकरीबन मनिया जा रहा है कि 5:31 से जोड़ा है सिद्धू मूसेवाला से जो अन्नेवा फायरिंग की गई जिस उन्होंने मौत हो जाती है और उस तो बाद जी फुटेज है जिस ऑल्टो गड्डी नजर आ रही है 5:47 की यह फुटेज है किस तरह के नाल उतों की फरार होंगे ने गड्डी खोते ने और अगह उ जाके भी एक गड्डी का जोड़ा है उत्थे छड़ के ऑल्टो गड्डी और किसी होर गड्डी में सवार हो जाते हैं। जरा बिल्कुल, क्योंकि एक प्री प्लैन से और पूरी तरीके रैकी की गई थी जो पहलियाँ तुम सीसीटीवी फुटेज सामने वेखिया ने, पहली सीसीटीवी फुटेज जो घर तो निकलते हैं बलैरो गड्डी पिछे लगती और अगला जोड़ा है चौक तो बाद दूसरी गड्डी पिछे लगती और मेन चौक आके जोड़ा है दोवें गड्डिया उपर आ जाते, इस तो बाद जोड़ा है सिद्धू मूसेवाल का जोड़ा पिंड जवारके कतल किया जाता, इस तो बाद गड्डिया सीधी रफ्तार के बरनाला आदि मोगे पहुँचा ना कि बड़े नेड़े जी है रैकी की गई सी, रैकी एक दिन की नहीं की जा सकती क्योंकि जिन्ना असी जो रास्ते देख रहे वो रास्ते असी अपनी अखां दे नाल देख रहे हैं कि एक रास्ते तो तीन तीन रास्ते पाड़ते हैं और ठीक वो जगह चुनी गई जितों कोई होर रास्ता नहीं सी और बिल्कुल जिहड़ा हैगा हाईवे दे नेड़े जिहड़ा हैगा अगो रस्ता पैना सी और पहला सूआ जिहड़ा हुंदा जो असी कल भी वार वार जिक्र किया सी उत्थे सिद्धू मूसेवाल निशाना बनाउण दी एक कोशिश सी, पर सिद्धू मूसेवाला दूसरे रस्ते पै जांदे ने तां मजबूर दूसरी करोला गड्डी वापस जांदी है तां तीसरे नंबर ते हुंदी है और जिहड़ी हैगी बलैरो गड्डी दूसरे नंबर ते हो जांदी आ। तां पिंड जवारके दे विच कतल करन तों बाद उसे रस्ते जिहड़ा आ के बरनाला मोगा बाईपास ते चढ़दे ने तां उत्थी जिहड़ी अल्टो गड्डी दी लुट हुंदी आ और उस गड्डी नूं मालक तो गड्डी लुट के जिहड़े हैगे आ जिहड़ा हैगा वाया मोगा जिहड़ा हैगा वाया धर्मकोट हुंदे लुटेरे आ जिहड़े हैगे कातलों अगे निकल जांदे ने। तां जिवें जिवें सीसीटीवी फुटेज मिल रही है उवें उवें पुलिस दे हत्थ बेशक कोई वड्डे सबूत भी लग रहे हैं, पर जिस तरीके अज गिरफ्तारियां भी हो रही ने लगातार हरियाणा तो हुई ने होर लगातार गिरफ्तारियां जारी ने, पुलिस के हाथ बेशक खाली नज़र आ रहे हैं पर लगातार सीसीटीवी कलैक्शन तो बाद पता लग रहा है कि कातल जिहड़े हैगे ने पंजाब छड के इस तो बाद अगला मार्ग उन्होंने किहड़ा चुनिया सी। और सब तो वड्डा सवाल है कि जदों बलैरो गड्डी और अल्टो गड्डी छड्डन तो बाद धर्मकोट के नेड़े अगला रस्ता उन्होंने किहड़ा चुनिया, वह सीसीटीवी फुटेज जदों सामने आएगी तो पता लगेगा कि कातल जिहड़े हैगे ने सिद्धू मूसेवाल का कतल करन तो बाद धर्मकोट तो बाद किस रस्ते निकलते हैं, कि वह वाया जलंधर निकलते हैं जां वापस जिहड़ा हैगा वाया फिलौर होकर निकलते हैं। तो उत्थों जिहड़े हैगे अगे भी दो रस्ते पाड़दे ने वाया फिलौर निकल जाते हैं जिहड़ा हैगा सीधा शाहकोट तो हो गया धर्मकोट रस्ता वो निकलता है, तो वह काफ़ी अहम होगा कि जेकर उत्थों कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है तो काफ़ी जिहड़ा हैगा नेड़े की तस्वीर जिहड़ी सामने आ जाएगी कि अगला रस्ता जिहड़े कातल से उन्होंने किहड़ा चुनिया गया सी। बिल्कुल, अगला रस्ता किहड़ा चुनिया गया उन्होंने वालों किहड़े राह निकले किधर निकले ये हले पता लगेगा शायद आने वाले दिनों में होर सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी, लेकिन एक जड़ी सीसीटीवी फुटेज असं सवेर तो दिखा रहे हैं कि फतेहाबाद तो इससे तार जड़े जुड़े हुए हरियाणा तक पहुंचे हुए ने, हालांकि इस लैके छापेमारी जड़ी है वक-वक थावां ते नेपाल तक भी पहुंची है, लेकिन लगातार कि कितों की एंट्री हुई किस तरह के नाल कौन कौन शामिल सी ये जड़ा जरूर तार जुड़न की कोशिशें हो रही ने और यह जी सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रही ने वक-वक थावां दीआं इस कड़ी नूं जोड़न विच बहुत अहम भूमिका निभाने वाली ने। रमन,
अजय बिल्कुल ये कतल दे तार सिर्फ तो सिर्फ एक व्यक्ति नाल जुड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस तरीके पुलिस वालों दसिया जा रहा, क्योंकि इस दे तार तिहाड़ जेल नाल भी जुड़ते हैं, फिरोजपुर जेल नाल भी जुड़ते हैं, हरियाणा का जोड़ा है उतों भी, जोड़ा फतेहाबाद उतों भी वो बलैरू गड्डी वेखन को मिल रही है। तो सीधे तौर पर जे गल करिए कैनेडा के बैठे गोल्डी बराड़ वालों इस भूमिका निभाई गई है, और कल भी जोड़ा है लॉरेंस बिश्नोई के भरा वालों सचिन बिश्नोई वालों दावा किया गया कि कतल मैं किया। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके दे नाल हर मिनट तो बाद जी कोई ना कोई नवी अपडेट इस मामले के आ रही है, पुलिस लिए भी यह मामला एड्डी जल्दी जोड़ा है सॉल्व करना सौखा नहीं है, क्योंकि इस एक धिर ज एक गैंग वालों काम नहीं किया गया, बहुत सारे लोगों वालों बहुत वीडी तरीके एक साजिश घड़ी जापती है, जिस तरीके रैकी होंगी, जिस तरीके ताबड़ तोड़ हमला होंगे, और जो पिंड वासी दसते हैं कि हथियार आधुनिक मारू हथियार वरत गए ऐसे पूरे जी है घटना अंजाम देने लिए। तो एक तो वध व्यक्ति इस घटना के पहले पहलुओं तो समझ आता कि वध लोग ने और साजिशकर्ता भी जोड़े है उन्होंने एक दिन के साजिश नहीं करी, साजिश घटने की लंबा समा लिया और लंबी समय तो रैकी की गई, और यह भी देखा गया कि सिद्धू मूसेवाले को हथियार होंगे ने उन्होंने मुकाबले साडा कि हथियार जोड़ा है वध कामयाब रहेगा, और सिद्धू मूसेवाले को कितने टारगेट किया जा सकता, और सिद्धू मूसेवाले के नाल रहन वाले लोगों पर भी नज़रसानी रखी गई थी, क्योंकि उन्होंने पता है कि सिद्धू मूसेवाला सिर्फ उन्होंने दो साथियों के नाल जिन्हों के कोल अपना कोई जिहड़ा कि वाइपन नहीं हैगा, तो सिर्फ एक वाइपन हैगा। इस तरीके नाल पूरा नेड़े हो के सिद्धू मूसेवाले लेकिन जिस तरह कतल होया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रवन सामने आई कि बहुत नेड़े जिहड़ा है गोलियां मारियां गईयां सिद्धू मूसेवाला नूं, जो हुण तक दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच भी सामने आया है, साफ यह दर्शाता है कि जिथे पूरी तरह प्लान किया गया सी, और किसी भी हालत विच ओ इस गल नूं यकीनी बनाना चाहते सन कि इस हमले दे विच सिद्धू मूसेवाला की जान ना बच पाए। जी रहा बिल्कुल, क्योंकि ताबड़ तोड़ हमला किया गया और जो चश्मदीद ने जिन्हें अस कल गल भी की, जो कहने कि बॉर्नर से चढ़ के गोलियां मारिया गई और देखा गया कि सिद्धू मूसेवाल बचे या कि नहीं बचे। जिस तरीके से ताबड़ तोड़ हमला होया, आधुनिक हथियार वरते जाते, पिंड वासी कह रहे हैं कि जो गोलियां के निशान ने दूर तक निशान ने, उन्होंने तो भी लगता कि इस घटना के लिए आधुनिक हथियार और वाइपन यूज किए गए हैं, और सब तो व्डा चैलेंज पुलिस के सामने है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी अपने तरीके जांच कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई उन्होंने भी जो कस्टडी के रिमांड पर लिया होया, और दूसरे पास पंजाब पुलिस की सब तो व्डा केस जोड़ा है हाई प्रोफाइल मामला, क्योंकि इस मामले को सुलझाना सरकार के लिए बहुत व्डा चैलेंज है, क्योंकि तमाम सियासी धिर पंजाब की कानून व्यवस्था का हवाला दे के इस मामले का हवाला दे के सरकार को कटहरे खड़ा कर रही, दूसरे दिन आए दिन पंजाब अजिंह घटनावान वापर भी रही ने, और तीसरा सब तो वड्डी जी गल है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट हैगी, पंजाब अजिहे हथियार जो पहुंचे तो पहुंचे किमें, और NIA जी केंद्रीय जांच एजेंसी है वो भी हत्था पैरन की पी है, जेकर रशिया मेड गन की वरतों की गल की जा रही है तो पंजाब पहुंची किस तरीके, कितों कहे लोग रशिया मेड गन जी इतों तक लैके पहुंचने, तो केंद्रीय एजेंसियां भी इस कतल तो बाद हिलिया हुई, बेशक सिद्धू मूसेवाला दे कातल फड़े जाएंगे, पर सब तो व्डा सवाल है कि इस तरीके अंतरराष्ट्रीय जोड़े तरीके के नाल जिहड़े हैगे इस दे संबंध जुड़े से, इस कतल दे जिहड़े हैगे ने तारां जुड़ रही ने, तिहाड़ जेल दे तारां जुड़ रही ने, अज लगातार जिहड़े हैगे ने खुलासे भी हो रहे हैं कि इस तरीके नाल जेल दे विचों नैक्सस चल रहे, जिस तरीके नाल गैंगस्टर जेल दे विच अंदर बंद ने और बाहर अपने तरीके नाल उन्हां दीआं कारवाइयां जा रहीआं, तां पंजाब सरकार भी इस समय दबाव दे विच और बैकफुट ते नजर है, क्योंकि हाले तक 5 दिन बीतण दे बाद हत्थ पल्ले पंजाब पुलिस दे भी कुछ नहीं पिया, SIT बेशक जांच कर गई, CCTV मिल रही ने, पर CCTV दे आधार ते अगली कारवाई की कीती गई है कोई तैयार नहीं, क्योंकि CCTV बहुत सारे रास्तों तो लगे होर भी CCTV सामने आ जाणगियां, होर घंटे तक कल तक CCTV मिल जाणगियां, पर वो CCTV आधार से तुम पहुंचे कितों तक, लोग तुहानू ये पुछदे ने SIT तो कि CCTV आधार से तुम किहड़े लोगों की पछाण की, इदू अगले रस्ता किहड़ा चुनिया गया उन्हां वल्लों, किहड़े लोग सी, तां लगातार पंजाब सरकार ते दबाव, SIT ते दबाव, पंजाब पुलिस ते दबाव, NIA भी जिहड़ा हैगा इस मामले नूं लैके जिहड़ा हैगा जिहड़ा हुण चौकस हो चुकिया कि जिस तरीके नाल पंजाब दे विच वार हो रही, जिस तरीके मोहाली के अटैक हो, इस बार सिद्धू मूसेवाले के मामले जी गल वरती गई है, तो यह मामला संसदी खेज मामला, इस वे जे राज आने वाले समय के मिल सकते हैं, वाला ग्रोह जरा कौमांतरी पद्धर का ग्रोह ज कह सकते गैंग जोड़ा है वो कम करता हो दिखाई दे सकता, इस तो इनकार नहीं।
नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और जिस तरह के नाल जेलां दी तुसी गल कर रहे हो, केंद्रीय जेलां अक्सर ही सुर्खियां च रहिंदियां ने और इस विच कोई शक ही नहीं है, और क्योंकि ये जिहड़ी खबरां तस्वीरां सामने ने कि किस तरह के नाल गैंगस्टर्स पावे जिहड़े ने जेलां दे विच बंद ने, लेकिन उन्हां दा नेक्सस जिहड़ा है जो उन्हां दा एक अधिकार है उत्थों बैठे वह कमांड देंदे ने, घटनावां नूं अंजाम देंदे ने, और जे विचकार हुण जेलां नूं भी लैके सरकार हुण संजीदा तां होई है, इसकी जिम्मेवारी जिहड़ी है वाधू वह दे दित्ती गई है, लेकिन इस दे बावजूद अपराधिक घटनावां नहीं रुक रहियां। हालात इह ने कि दिन दिहाड़े इस तरह के नाल जिहड़ियां हत्या हो रही ने, गोलियां चल रही ने, भावे जेलों के हो जेलों तो बाहर हो। जिलंधर हरप्रीत सिद्धू बेशक काबल ऑफिसर ने और एस डी एफ जदों बनी सी नशे नूं लैके ड्रग्स नूं एस डी एफ बनी सी, काफ़ी उन्होंने उस मामले ते काम भी किया सी और जेलों के नैक्सस ते भी काम किया सी, इस तों दूर रहे नहीं आ। पर सब तो वड्डा सवाल है कि जो हुण तक गैंग पनप चुपे ने, पनक जिहड़े हैगे ने पूरी तरीके नाल पनप के पंजाब दे विच जगह जगह छोटे गैंग दे रूप में भी उभर चुके ने, उन्हां नूं किस तरीके दी ठल पवेगी, जिहड़े गैंग जिहड़े हैगे ने इक तों बाद उन्हां दा सब गैंग हो जांदा, इस तों बाद सोशल मीडिया से एक्टिविटी और बाहरों बैठ के पेज हैंडल हो रहे हैं और कोई भी कतल करने तो बाद 24 घंटे तो पहला पहला पोस्ट पा के जी है सीधे तौर पर सरकार और पुलिस को जोड़ा है चैलेंज भी कर दिया जाता कि इस कतल की जिम्मेवारी असी लें, तो इस तरीके सौखा नहीं है पंजाब पुलिस के लिए आने वाले दिनों के इस केस की तक जाना कि किस तरीके हमलावारा तक पहुँचा जाए। इन्वेस्टिगेशन जरूर जी तेज हुई है, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारिया चीज़ा भी निकल के सामने आ रही ने, बेशक सीसीटीवी फुटेज एक तो बाद एक मिल रही है होर भी मिल जानिया, पर उस नैक्सस तक पहुंचना जिसका असं वार बार जिक्र कर रहे हैं कि जेलों के भी काम हो रहे हैं, बाहर बैठे भी कुछ लोग जोड़े काम करा रहे हैं, इस तरीके की रैकी जिस तरीके की हो रही है पंजाब के, जिस तरीके किसी टारगेट करने और जेल के जी है धमकी दी जाती है और फोन आते हैं फरौती मंगी जाती नहीं आते अणछत लोग कतल करके निकल जाते, पंजाब पुलिस के हाथ खाली दे खाली रह जाते हैं, बहुत व्डा नैक्सस चल रहा है। इस लैके सरकार भी संजीदा रूप का जोड़ा हम दिखा पाएगा और दूसरे पास परिवार जरा लगातार कह रहे कि इंसाफ की मांग कर रहा है, इंसाफ उदो मिलेगा जो इंसाफ की मांग कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अब जो पहुंचे ने तो भरोसा जरूर दवाया गया है कि इंसाफ मिलेगा, दोषियों बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कदों तक यह तमाम जो दोषी ने कातिल ने पुलिस की गिरफ्त आते हैं, यही देखना जरा बहुत अहम होगा। नवदीप आलू वाले को एक बार फिर चलते हैं। नवदीप, जिस तरह तमाम जी है इतने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, हालांकि उम्मीद है कि होर भी तस्वीर इस तरह दियां सामने आनगिया, लेकिन वड्डी गल है कि हालांकि कई अजिहे ग्रुप ने लॉरेंस बिश्नोई वर्गे ग्रुप जिहड़े कि खुल्लम खुल्ला इस गल की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने हमला किया, भावें वह सचिन बिश्नोई हो जिसने यह किया कि उसने अपने हाथी जड़ा है सिद्धू मूसेवाला से वार किए ने अजे विचकार, लेकिन पुलिस के हाथ हुण तक खाली ने, पुलिस की हले जी है इन्हों तक हाथ नहीं पहुँच पाए ने, यह कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सो दस दिए कि इस वेल की तस्वीर तुहानू जो दिखा रहे हैं यह वो ऑल्टो गड्डी है जिस विच हमलावर इस घटना नूं अंजाम देख के 29 तरीक की यह तस्वीर 5:47 तकरीबन 5:31 सिद्धू मूसेवाला से हमला किया गया सी कातलाना, जिससे कि अन्नेवा गोलियां चलाईया गई सन उन्हां दी गड्डी दा, दो गड्डियां वालों बलैरो ते करोला गड्डियां विच बैठ के जो हमलावर उन्हां दा पिछा कर रहे सन, उस तों बाद सिद्धू मूसेवाला ते हमला किया जांदा है, उसते अन्नेवा गोलियां जिहड़ियां दागी जांदी ने जिस विच उन्हां दी मौत हो जांदी है, और उस तो बाद यह तस्वीर जिहड़ी सामने आंदी जिस विच ऑल्टो गड्डी जो कि किसी राहगीर तो यह हमलावर खोंदे ने ते इस विच सवार होकर वह फरार हो जांदे ने, उसके पिछे पिछे शक्की बलैरो गड्डी जो लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज विच हुण तक सामने आई है। नवदीप आलू वाले एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नवदीप, हालांकि तमाम जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है और पुलिस की कोशिश जरूर है कि छेती तो छेती, क्योंकि SIT का भी गठन किया गया, सरकार से बेहद दबाव है, हालांकि जिहड़े ग्रुप ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप या सचिन जुदस्ते वालों यह दावा किया गया कि उसने अपने हाथी हमला किया और मारिया है सिद्धू मूसेवाला, पुलिस के हाथ उन्होंने तक हले नहीं पहुंच पा रहे ने। बिल्कुल, आए पुलिस के हाथ खाली जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर देखो पुलिस वालों कोशिशें लगातार जारी है, सीसीटीवी फुटेज जिस एक तो एक सामने आ रही है, पुलिस वालों एक चेन नूं तां खोल लिया गया जी कि गड्डिया दड्डिया प्रोवाइड कराई गई मंत्री संबंधा के नाम तो जिहड़ियां गड्डिया पहुंचिया, और उस तो बाद दो गैंगस्टर नूं लिया जी ए जी ओकू की टीम है वह भी इस विच इनवॉल्व हुई है, लगातार इन्ह दी जिहड़ी कॉल डिटेल ने उन्होंने खंगालिया जा रहा है, और जिस तरह सिद्धू मूसेवाले के मर्डर तो कुछ दिन पहला जी फतेहाबाद यही बलैरो गड्डी का पाना, उन्होंने जिहड़े बलैरो सवार व्यक्ति है वह भी दो
पता लगे भी सूत्र दसदे ने भी मानसा पुलिस उन्हां दो व्यक्तियों नूं अज लैके आई है। कड़ी दर कड़ी पुलिस जोड़ना चाह रही है और जोड़ की कोशिश कर रही है। उधर जिवें बिश्नोई ग्रुप ने जां गोल्डी ब्रांच ने अपनी पोस्टां पाईआं हुई है, पुलिस इस नजरिए देख रही है भी पुलिस राइट वे हो गए और पोस्टां पा के पुलिस नूं कदे गुमराह ना किया जाए, इस वे नाल भी पुलिस चेक करके देख रही है भी बिश्नोई गैंग वालों जो कल निजी चैनल नूं इंटरव्यू विच किया कि मैं मारे है, गोल्डी ब्रांड ने कहा असी मारे है, पुलिस नूं इह लगदा भी शायद ये सानू चकमा दे रही है, इस करके पुलिस अपनी थ्यूरी दे नाल नाल भी काम कर रही है और जो सोशल मीडिया से है दबाव बनया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप फिलहाल दी सारी जानकारी दे। और फिलहाल इस बुलेटिन बस इना ही और तुसी देखते रहो पीडीसी न्यूज़।